तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकर रुपए। और आज एक मैं मूवी लेके आऊँ जिस मूवी का नाम है द इंटरव्यू नाइट्स ऑफ 26/11। और ये मूवी हमें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, और ये मूवी हमको ऐसा क्या नया अलग दिखाती है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखते समय, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। और इस मूवी का जॉनर है सस्पेंस ड्रामा, और इस मूवी का डायरेक्शन किया है लॉरेंस सिंस पोस्टमैन ने। और इस मूवी की कास्टिंग में आपको देखने को मिल जाएंगे जैकी श्रॉफ, अंजुम नायर और आसिफ। और ये मूवी एक मास्टरपीस मूवी होने वाली। इस मूवी को ना भाई गलती से भी मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये मूवी आपको बहुत कुछ ऐसा नया दिखाने वाली है कि आपने भाई अब ऐसी मूवी कहीं नहीं देखी होगी। और कसम से भाई इस मूवी को देखने के बाद ना भाई फुल्ली सेटिस्फैक्शन होगा और एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी। और ये मूवी ना भाई कुछ ही स्पेशल लोगों के लिए होने वाली। जिन लोगों को कोर्ट रूम ड्रामा मूवी पसंद है ना, तो भाई ये मूवी आपके लिए एक मास्टरपीस मूवी है। लेकिन इस मूवी में कोर्ट रूम जैसा एक कुछ नहीं है। ये मूवी एक इंटरव्यू से रिलेटेड है कि दो लोगों का इंटरव्यू होता है, और ये मूवी पूरी इसी पे बेस है। और ये पूरी मूवी ना जैकी श्रॉफ और अंजुमा के कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। इस मूवी में भाई जितने भी एक्टर्स हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस भाई दमदार, उनका डायलॉग डिलीवरी करने का तरीका भाई, उनकी एक्टिंग भाई सब लाजवाब है। और इस मूवी को भाई देखते टाइम ये लग रहा था कि भाई इस मूवी का जो इंटरव्यू है ना वो भाई खत्म ही ना हो, और इस मूवी की जो लेंथ है ना कम से कम 2 घंटे की। अगर भाई अगर ये मूवी 2 घंटे से ऊपर बढ़ा दी जाती ना, तब भी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप जब इस मूवी को देखोगे ना तो भाई आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये इंटरव्यू चलता ही जाए। इस इंटरव्यू के चलते ना भाई बड़े बड़े राजों से पर्दा उठता हुआ दिखाई देगा आपको। लेकिन भाई जो एक्टर की परफॉर्मेंस है, आप देख के पता नहीं लगा पाओगे भाई ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और ये मूवी भाई आपको टोटली इम्प्रेस कर देगी। और इस मूवी को देखने के बाद भाई आपके मन में एक ही क्वेश्चन होगा कि भाई ऐसा भी कोई इंटरव्यू होता है? और मूवी के स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसे इवेंट दिखाए जाएंगे जिससे आप भाई जुड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जब इंटरव्यू वाला सीन आता है ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई पूरी स्टोरी में ओवरऑल चल क्या रहा है। और इस मूवी की स्टोरी से ना आपको कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको इसकी स्टोरी भाई समझ में आ जाएगी ना, तब भाई गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये मूवी आपको फुल्ली इंटरटेन करेगी और भाई आप भी बहुत इंजॉय करोगे। और इस मूवी के भाई राइटर को सलाम है, और इस मूवी के डायरेक्टर ने भाई सच में बता दी कि भाई असल मायने में ऑडियंस को क्या चाहिए। अगर इस मूवी के कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात की जाए ना, तो इस मूवी में आपको ज़्यादा कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेंगे। इस मूवी में जो जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर है ना, वो एक रिपोर्टर के तौर पर दिखाया है। जितने भी अफगानिस्तान इराक में जितने भी हवाई हमले, जितने भी आतंक दिखाया जाता है ना, तो वही कवर करने जाता है इस मूवी में दिखाया गया है। और जैकी श्रॉफ को ना भाई रिपोर्टर के तौर पर नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। और रिपोर्टिंग करने से पहले जो जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर था ना, वो आर्मी में था, लेकिन वो आर्मी क्यों छोड़ते हैं और उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ होता है, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी में जो जैकी श्रॉफ का सीनियर होता है ना एडिटर, वो उसको बोलता है कि तुम्हें इस एक्ट्रेस का इंटरव्यू लेना है, अगर तुमने इस एक्ट्रेस से भाई सब कुछ बुलवा लिया ना, तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। क्योंकि इस मूवी में जो अंजुमा नायर का कैरेक्टर ना, वो भाई एक एक्ट्रेस का है, और वो एक्ट्रेस भाई बहुत ही दिमाग वाली है, और भाई किसी को जल्दी इंटरव्यू नहीं देती है, और इंटरव्यू देती है ना तो भाई ऐसे संभाल के देती है, अगर उसके बारे में किसी को चीज़ पता भी चल जाए ना, तो वो कैसे बात पलट देती है आपको उस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी में जो अंजुमा नायर का कैरेक्टर ना, वो एक सफल एक्ट्रेस के तौर पर दिखाया गया है, जिसकी मूवी आज के टाइम में बहुत सक्सेसफुल है, और उसने 25 साल की उम्र में इतनी सारी चीज़ें कैसे हासिल कर ली। इस मूवी में ना भाई इन दोनों के लिए ये इंटरव्यू ना बड़ा चैलेंजिंग साबित होगा, और ये मूवी भाई आपको एक अलग ही चीज़ एक्सपीरियंस कराएगी। और मैंने जब इस मूवी को देखा था ना, तो भाई मैं फुल्ली सेटिस्फैक्शन हो गया था कि हाँ भाई ये मूवी दमदार मूवी है, इस मूवी को तो भाई एक बार देखना बनता है। और भाई ये स्टोरी आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करती है, और ना ही ये स्टोरी लैक करती है। इस मूवी में जो आसिफ का कैरेक्टर है ना, आसिफ और जैकी श्रॉफ खुफिया तौर पे कहीं रह रहे होते हैं, और वहाँ पे किसी एक्सीडेंट के तौर पे भाई दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। इस मूवी में जो अंजुमा नायर और जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर है ना, वो एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें ऐसे पूछते हैं जो उन्हें नहीं बतानी होती, लेकिन वो एक दूसरे को बता देते हैं डिस्कस करके, और फिर वो एक दूसरे से कैसे स्किप करवाते हैं, वाली चीज़ इस मूवी में देखने लायक है। और इस मूवी में भाई एक चीज़ देखने लायक है कि भाई जैकी श्रॉफ के सामने जो कैरेक्टर खड़ा है ना अंजुमा नायर का, भाई एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा।
इस मूवी के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, वरना भाई आपका इस मूवी को देखने का मजा ना थोड़ा खराब हो जाएगा। और भाई इस मूवी को देखना कहें, इसका लिंक ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, भाई जाके ज्वाइन कर लेना। और अगर आपने मूवी देखी है आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और इस मूवी को भाई अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखना, क्योंकि इस मूवी में भाई 3-4 किसिंग हॉट सीन है। तो भाई इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके भाई, टेक केयर।